दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्याज का तेल आप घर में कैसे बना सकते हो और साथ के साथ ही प्याज के क्या क्या फायदे होते हैं हमारे बालों को लेकर के। प्याज का जनरली इस्तेमाल दोस्तों हम किचन में करते हैं, किचन की खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, खाने वाले चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जनरली अब अक्सर देखते होंगे एडवर्टाइजर में या फिर आप टीवी पे एड्स वगैरह वीडियो में देखते होंगे कि प्याज का तेल जो होता है ना या फिर प्याज के शैम्पू बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन वो महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं हमारे बालों को लेकर के। अगर आप खरीदने जाओ तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो क्यों नहीं दोस्तों आप प्याज का तेल घर में बनाओ, क्योंकि प्याज तो हमारे घर में होता ही होता है, तो क्यों नहीं उसका तेल आप घर में रेडी करो। इससे आपके बालों की लंबाई चौड़ाई जो है ना डबल ट्रिपल गुना रफ्तार से बढ़ेगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बालों में प्याज का तेल। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज का तेल कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, प्याज का तेल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको प्याज की जरूरत पड़ेगी, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आप एक महीने का भी तेल बना सकते हैं या फिर एक दिन का या एक सप्ताह का भी। तो मैं यहाँ पे जो है प्याज की क्वांटिटी ले रही हूँ 2, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है। वीक में बना करके मैं रखती हूँ एक बार या फिर 15 दिन तक का बना के रखती हूँ। तो 2 प्याज से आप 15 दिन का तेल बना करके रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक चॉपर लिया है, हैंड चॉपर अक्सर हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को बहुत ही बारीक सा मतलब थोड़ा मोटा मोटा काट करके इसमें डाल देते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से चॉप कर देंगे। यहाँ पे आप प्याज को चॉप करने की जगह इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। अगर आप ग्राइंड करना चाहते हो तो ग्राइंड करो, या फिर इस तरीके से आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे से प्याज को चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऐसा चॉप हुआ है कि जैसे आप ग्राइंड करते हो। तो ग्राइंड करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो महीन हो जाता है वैसा हो जाता है, इसमें हल्का हल्का चॉप होता है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया, इससे भी तेल निकलता है। अब चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई के लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हो, इस तरह का एल्युमिनियम कढ़ाई भी ले सकते हो, कोई सा भी कढ़ाई ले सकते हो या फिर लोहे की भी कढ़ाई ले सकते हो, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले ले। इस कढ़ाई में सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज जो हमने चॉप किया वो डाल देते हैं। अब अगला सामग्री हम लेते हैं, ये हमारा है ऑयल है और ये कोकोनट वर्जिन ऑयल है, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड, यानी कि ये कोकोनट ऑयल जो होता है ना दोस्तों कोल्ड प्रेस्ड करके निकाला जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिसैनो का, आप कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर ये नहीं है तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप जनरली डेली यूज़ करते हैं। तो ये लगभग यहाँ पर हम 200 से 250 ml के आसपास लेंगे। जैसे कि मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ, बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ हो जाएगा। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आराम से ये 15 दिन इस्तेमाल होगा, छोटे छोटे बाल है तो ज़्यादा टाइम भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको डाल करके आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना है, लगभग 20 से 25 मिनट तक, आधे घंटे तक पका सकते हैं, और बहुत ही कम गैस पे दोस्तों। धीरे धीरे आपको इसको चलाते हुए बीच बीच में स्टर करते रहे, जिससे प्याज के जितने गुण होते हैं ना वो आपके इस तेल में आ जाएगा। तो 25 मिनट के बाद जब यहाँ पे देख सकते हैं प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगे, तब आपको लगेगा कि ये तेल जो है ना बहुत ही बढ़िया हमारे बालों के लिए हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है, और गैस बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही आपको क्या करना है, इस तेल को स्टेन कर लेना है, यानी कि इसको छान लेना है। जैसे आप चाय पत्ती जैसे चाय वाले चाय छानते हैं ना चाय छन्नी से, उसी तरीके से आपको इसको छान लेना, बहुत ही महीन वाला जो चाय छन्नी होता है उसकी मदद से छाने। अगर महीन वाला चाय छन्नी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आप कॉटन वाले कपड़े पे रख करके भी इसको बहुत ही अच्छे से छान सकते हैं, बहुत ही ईजिली छन जाएगा। इस तरीके से प्रेस करके सभी तेल जो है निकाल ले, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है और बहुत एक एक तेल का जो बूंद है ना हमारे बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तेल को यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा खुशबू लाने के लिए यहाँ पे मैं इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा होता है, तेल की खुशबू भी बढ़ जाती है और ये तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा भी हो जाता है, बिल्कुल मार्केट वाला भी जो सुगंध होता है एसेंस होता है ना वैसा आ जाएगा। इस तेल को आपको ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद ही इसको स्टोर करना है या फिर आपके बालों में लगाना है, गरम गरम बिल्कुल भी नहीं लगाएं, ठंडा कर ले। और ठंडा करने के बाद यहाँ पे हमने बहुत सारा क्वांटिटी में बनाया है, इसको आप स्टोर करने के लिए इस तरीके से कांच का या फिर आपके पास तेल के लिए जो भी आप स्टोर करते हैं उसमें स्टोर करें। और क्या करें, यहाँ पे जो कीप होता है जिसकी मदद से हम जैसे
किसी भी चीज़ को स्टोर करते उसमें डाल दें, और डाल करके ढक्कन लगा कर इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रख सकते हैं 10 दिन 15 दिन, जितना दिन भी आप चाहे इसको चला सकते हैं। तो बस बन गया ना हमारा प्याज का तेल घर के अंदर ही, बिल्कुल मार्केट जैसा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दोस्तों। इतना फ़ायदेमंद है कि आपकी बाल की लंबाई दम रफ्तार से बढ़ेगी। अब इसको इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बालों का पार्टीशन निकाल लेना है काफ़ी अच्छे से, और निकालने के बाद इसकी जो हमारे जड़ों वाला जो पार्ट होता है ना, जो स्कैल्प वाला पार्ट होता है, वहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि बालों की समस्याएं टूटने की, झड़ने की या फिर बालों को मजबूत करने के लिए वो हमेशा स्कैल्प से यानी कि जड़ों से शुरू होती है। तो हमेशा पार्टीशन करके जड़ वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से इसको लगा लेना, एकदम भिगा भिगा के लगाएं, कंजूसी ना करें, अच्छे से लगाएं। और इसको लगाना है आपको दिन में लगाना है, रात में ना लगाएं, क्योंकि प्याज में एक स्मेल सी होती है जो कि आपको शायद सर में दर्द भी हो सकता है। तो हमेशा रात में ना लगाएं, दिन में लगाएं, और नहाने के लगभग 1 घंटे या फिर 2 घंटे पहले इसको आप लगा के अपने बालों में रख लीजिए। और लगाना कैसे है, पूरे बालों में अच्छे से लगा ले, पहले जड़ में फिर सिरों में काफ़ी अच्छे से, तभी तो आपके बालों की समस्याएं जैसे दो मुहे बाल भी होते हैं ना वो सभी हट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से लगा करके आपको इसको लगभग अच्छे से बालों को मसाज देना है, जड़ों वाले पार्ट को स्कैल्प में, जिससे स्कैल्प में अच्छे से अंदर तक तेल पहुँचे। प्याज वाला गुण जो होता है ना, प्याज में इतना गुण होता है कि आपके बालों की लंबाई को ना बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। इसको वीक में आपको दोस्तों लगभग 2 बार जरूर ट्राई करें, 2 बार जरूर लगाएं, और दिन में लगाएं, मैं बार बार कह रही हूँ। रात में शायद आपको सर में दर्द भी हो जाएगा, क्योंकि स्मेल होती है प्याज की, आप कितना भी कुछ भी करो स्मेल थोड़ी बहुत रहती ही है। बस 2 घंटे लगा करके आपको, उसके बाद आपको शैम्पू यहाँ पे कर लेना है। शैम्पू के लिए आप 1 या 2 बार शैम्पू कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि प्याज की स्मेल ज़्यादा है तो 2 बार ज़रूर शैम्पू करें। और शैम्पू करने के बाद जो आपके बालों की लंबाई या फिर आपके बालों की जो एक ग्रोथ है ना, बहुत ही अच्छी दिखेगी। लगभग कुछ ही दिनों में आपको दोस्तों आपको बालों में फ़र्क दिखेगा। तो आराम से दोस्तों आप जो है घर में प्याज का तेल बनाइए, क्योंकि प्याज के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं आपके बालों को लेकर के, मजबूत करता है, खास तौर पे आपके बालों की ग्रोथ जो है ना बहुत ही अच्छी करता है, लंबाई बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। जड़ों से समस्याएं जैसे डैंड्रफ हो गया, दो मुहे बाल हो गया, ये सभी समस्याएं आपके बाल से ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही ईजी है घर में इस तरीके से प्याज का तेल बनाना। मार्केट से खरीदना अगर आपको लगता है मुश्किल, तो घर पर आराम से रेडी कीजिए प्याज का तेल और आप इस्तेमाल कीजिए। अपने बालों की लंबाई को अच्छे से मतलब 4 गुना 5 जितनी रफ्तार से हो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा लगा आज का ये वीडियो, हेल्पफुल लगा, दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी बाल से रिलेटेड बहुत ही समस्याएं होती है, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे फिर से मिलती हूँ दोस्तों एक नए ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, रेसिपीज के साथ, DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।